बाबूजी आपने मुझे बहस नहीं, मुझे एक टूक जवाब सुनना है। तू उस घर से ताल्लुक तोड़ेगा या नहीं? बाबूजी इन दिनों आपकी सेहत ठीक नहीं थी, मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। अगर तुझे अपने बाबूजी की सेहत की इतनी ही चिंता होती तो तू अभी तक ताल्लुक तोड़ चुका होता। और मान ले तू ऐसा नहीं कर पाता और वो औरत तेरी जिंदगी में बनी रहती है तो इस घर में वापस लौट कर नहीं आना। मैं ये नहीं कहता कि तू उन्हें बेसहारा कर दे, सड़क पर छोड़ दे। तूने जो मदद करनी है कर, पर एक ही बार में करके उससे ताल्लुक खत्म कर दे। भौजी पर वो कैसे? बता जिंद, तू ऐसा कर सकता है या नहीं? बाबूजी आपसे, बीजी से, हमारे इस घर से बड़ा अगर मेरे लिए कोई है तो वो सिर्फ रब है। आप लोगों के लिए अगर मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा बाबूजी। आज मैं मधु के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही लौटूंगा। About picnic. What? I was having so much fun. Me and Michael's group. Papa, sit now. Me and Michael's group. Now we were playing. We were enjoying so much. And suddenly one boy came and he pushed me. मैं गुस्सा गई. मैं टीचर के पास गई. फिर टीचर को बोला, that boy is troubling me, miss. बस बेटा. मम्मी, wait a minute. Let me speak at least. क्या बात है राज? तुम टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों खांस रही हो? यू लुकिंग पेल। बस ऐसे ही, थोड़ा सा सर भारी था और कुछ नहीं। पापा, ग्रैंडफादर भी बीमार है। मम्मी कह रही थी उन्हें हार्ट अटैक आया। ये हार्ट अटैक आता क्यों है पापा? जब परेशानी बढ़ जाती है तो ऐसे होता है दीदी। यानी उन्हें ये हार्ट अटैक मेरी वजह से हुआ है राज? डोंट स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स, नेचुरल है। वो हमारे रिश्ते को डिसअप्रूव करेंगे। क्या उन्होंने डिसअप्रूव किया? पापा, ग्रैंडफादर को मम्मी और मैं पसंद नहीं है। रीना, पापा क्यों? मम्मा, मधु, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? मैंने तय कर लिया है कि मैं What, पापा? मैं अभी वो होटल टीना के नाम ट्रांसफर कर देता हूँ। पहले जब मैं इतना झगड़ा करती थी तब तुम नहीं माने, फिर आज अचानक क्यों? क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। शी पापा, ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट। हमें नहीं चाहिए होटल वोटल, हमें सिर्फ आप चाहिए। आई लव यू पापा। टीना प्लीज, मधु मैंने बहुत सोचा और ये मान लिया है कि हमारा रिश्ता दुनिया इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या कहूंगा मैं भौजी से, कैसे आंख मिला पाऊंगा तेजी से? अरे दुनिया का सामना तो मैं फिर भी कर लूंगा, लेकिन बच्चों का सामना नहीं कर पाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट मधु, नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए मैं आज तय करके आया हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे हरगिज हरगिज
Are you alright, mama? मधु मधु क्या हुआ मधु 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 क्या हुआ तुम्हें मधु छोड़ो ये क्या हुआ क्या हुआ खून आइए आइए डॉक्टर साहब आइए हम लोग बात कर रहे थे अचानक शी स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड आई एम सो सॉरी आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग प्लीज रिलैक्स रिलैक्स फिर बेटा कम बट नथिंग विल हैपन टू माय पापा नथिंग विल हैपन टू अभी भी नथिंग विल हैपन टू पापा मम्मी पापा प्लीज टेक केयर ऑफ पापा प्लीज क्या हुआ डॉक्टर मिस्टर सिंह इन्होंने पहले ब्लड वॉमिट किया और फिर बेहोश हो गए हाँ लेकिन इस स्टेट में तो ये नॉर्मल सी बात है ब्लड वॉमिट नॉर्मल सी बात यस शी इज माय पेशेंट मैं इनका केस अच्छी तरह से जानता हूँ शी इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी कैंसर व्हाट कैंसर नहीं 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 उठने की जरूरत नहीं है लेटे रहो मैं ठीक हूँ राज वो जरा सा बेहोश हो गई थी मैं हाँ ब्लड वॉमिट करने के बाद नहीं राज वो जरा सा लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था बस उस इन्फेक्शन को कैंसर कहते हैं मधु और वो जरा सा नहीं लास्ट स्टेज में है डॉक्टर बुलाया था मैंने उसने मुझे बताया वरना तुम तो तबे पाँव मेरी जिंदगी से जाने की तैयारी कर बैठी थी I'm sorry, राज लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ये दुख देना नहीं चाहती थी तुम्हें अरे मुझे पहले बताया होता मैं दुनिया में कहीं से इसका इलाज ढूंढ कर लाता तुम्हारी हालत इस स्टेज तक नहीं पहुंचने देता और अब भी चाहे तुम हार मान लो मैं डॉक्टर से इसका इलाज पता करके ही रहूंगा मौत का इलाज तो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता राज और मेरी तो ये सोच सोच कर जान भी नहीं निकलेगी कि मेरी बच्ची को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी मैं क्योंकि मैं जानती हूं कि चाहते हुए भी तुम उसे दुनिया के सामने अपना नहीं सकते क्या होगा मेरी बच्ची का कहां जाएगी वो मैंने पिछले दिनों तुम्हारे साथ इसलिए हुज्जत करना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी इसलिए मैं चाहती थी कि टीना सिक्योर हो जाए राज लेकिन लेकिन मेरा तो सारा प्लान ही फेल हो गया क्या टीना जानती है इस बारे में जब मैं तुम्हें नहीं बता सकी तो उस मासूम को कैसे बताती खैर अब तुम घर चलो तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा नहीं आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं अपने मधु के पास रहूंगा बहुत बहुत पास
हेलो हेलो जिंदर, तू अभी तक पहुंचा नहीं? तेरे बाबूजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज मैं नहीं आ पाऊंगा बीजी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंजाम जानता है इसका बीजी? आज रात कैसे भी करके संभाल लीजिए। तू उसे आज नहीं छोड़ पा रहा तो जिंदगी भर के लिए खाक छोड़ पाएगा? बीजी, मैं उसे छोड़ने के लिए ही आया था, पर क्या? पर वो खुद ये दुनिया छोड़कर जा रही है। हाँ बीजी, मधु को कैंसर है। क्या क्या कह रहे हैं जिंदर? उसे कैंसर है? मैंने डॉक्टर बुलाया था बीजी, उसने साफ कह दिया, कल परसों 6 महीने बाद मधु कभी भी मुझे खुद आज पता चला बीजी। रब भला करे उसका। जिंदर बेटा, तू चिंता मत कर, आज रात तो मैं किसी तरह ये बात डालती हूँ, कल सुबह सोचते हैं तेरे बाबूजी से इस बारे में क्या कहना है। अब इनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है बेटा। जिंदर प्लीज, तू सुबह जल्दी आ जाना, और कल सुबह तेजी भी आ रही है, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। थैंक्स बीजी। अरे आप अभी तक सोए नहीं? दिमाग से चिंता जाए तो नींद आए ना। तेरा खाना हो गया सुख? हाँ जी हो गया। मुझे समझ में नहीं आता अब लेटे लेटे आपको किस बात की चिंता। वो तेरा पुत्र है ना जिंदर, देख कब का गया है, अब तक नहीं आया। वो तो कब का आ गया जी, वो तो सो भी गया। वो आ चुका है और मुझे मिलके नहीं गया? मैंने ही उसे मना कर दिया कि बाबूजी आराम कर रहे, सोने दे, खुशखबरी कल सुबह सुना देना। खुशखबरी? हाँ, वो रिश्ता खत्म करके आ गया हमेशा के लिए। सुख, ये खबर तूने पहले सुना दी होती तो मैं कब का गहरी नींद में सो गया होता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।